हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोग अली खान हैदराबादी के जैसे स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि वो वॉक वाली वीडियो बनाता है और बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग वैसे स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड के साथ। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल DSLR कैमरा से अली हैदराबादी के स्टाइल में एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से अब आप लोगों ने सर्च करना है वीटा, और ये वाली आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये हमारे से परमिशन पूछ रहा है तो हम इसको अलाउ कर देते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देते हैं। और यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से अब आप लोगों ने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। और वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आप लोगों ने वेट कर लेना है। तो हमारी यहाँ पे वीडियो आ चुकी है और मैं इसका जो साउंड है वो टर्न ऑफ कर देता हूँ ताकि जो कॉपीराइट क्लेम वगैरह है उससे मैं बच जाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो है और ये बिल्कुल स्लो मोशन में नहीं है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जितना आप लोगों ने पोर्शन स्लो मोशन में करना है, मतलब कि मैंने वीडियो स्लो मोशन में करनी है जहाँ से ये वर्क स्टार्ट करता है, तो यहाँ से मैंने स्लो मोशन करनी है। तो अब आप लोगों ने यहाँ एडिट में जाना है और यहाँ से इस वीडियो को आप लोगों ने स्प्लिट कर देना है, और जितना आप लोगों ने स्लो मोशन करना है वहाँ तक आप लोगों ने दोबारा से स्प्लिट कर देना है। और यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों ने ये मैंने जो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया और इस पोर्शन को मैंने स्लो मोशन में करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे ऑप्शन आ रहा है स्पीड का, तो स्पीड पे जाएं और इसको आप लोग यहाँ बैक साइड पे ले जाएं। और यहाँ पे देखिए, अब आपकी वीडियो के जो सेकंड्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो वीडियो है वो स्लो मोशन में हो गई है, तो लेकिन ये थोड़ी सी कम है, तो दोबारा स्पीड में जाएं और इसको हम फुल कर देते हैं इस बार। और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि अब हमारा जो स्लो मोशन इफेक्ट है वो कैसा है। और यहाँ पे देखें, अब जो स्लो मोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल किस्म का है, बहुत ही स्मूथ है। और इस तरह आप लोग सिंपली अपनी वीडियो को स्लो मोशन में बना सकते हैं। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ बैक में जाना और इसको आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और आपकी वीडियो जो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो तो गैलरी में सेव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी और वो है ये वाली कि आप लोगों को यहाँ ऊपर वीटा का जो लोगो है वो नज़र आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने कैसे रिमूव करना है चलें आप लोगों को वो बताता हूँ। तो अब आप लोगों ने काइन मास्टर में जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसे 9:16 रेशियो का आप लोगों ने नया प्रोजेक्ट बना लेना है। और यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी अपनी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने ये वाली कर लिया। और अब आप लोगों ने लेयर में जाना है मीडिया, और अब आप लोगों ने अपनी ये वाली वीटा जो वीडियो है इसको सिलेक्ट कर लेना और इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करें। जब ये डिम हो जाएगी वीडियो तो इसको आप लोगों ने ड्रैग करके स्टार्ट पे ले आना है, और अब आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो नीचे वाला एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने ड्रैग करते जाना है इतना ताकि अब आप लोगों का वो जो ऊपर लोगो था वो नज़र ना आए। तो यहाँ पे देखिए, बार में हमारे पास वो वाला लोगो नहीं आ रहा, तो सिंपली हम लोगों ने वो रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये शेयर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और अब आप लोगों के यहाँ हो सकता है कि काइन मास्टर में भी लोगो आए, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप लोगों ने काइन मास्टर को डाउनलोड करना है और फिर आप लोगों को ये वाला उसका जो वाटरमार्क है वो नज़र नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।